हेलो गाइस, तो आज मैं आप सभी के डिमांड पर लेकर आया हूँ बाल कृष्ण जी का आउटलाइन ट्यूटोरियल वीडियो। तो आप सभी ने मुझे कम्युनिटी टैब के पोस्ट पर काफी अच्छी तरह से रिस्पांस दिया था, इसलिए उसी पोस्ट के मुताबिक मैं आज ये वीडियो लेकर आया हूँ। बिना देरी के चले स्टार्ट करते हैं लिटिल बाल कृष्ण जी का ड्रॉइंग ट्यूटोरियल। तो सबसे पहले मैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर आता हूँ, ग्रिप मैटर ऐप, तो मेरा ऐप ये रहा। तो इस ऐप का लिंक मैं मेरे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चेक जरूर कीजिएगा। इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा, तो आप सबसे पहले बीच में जो प्लस आइकन दिख रहा है उस पर क्लिक कीजिएगा, तो आपकी गैलरी फोन में की गैलरी ओपन हो जाएगी। तो फोन में से गैलरी में से आपको बस वो पिच सिलेक्ट करना है। इस पिच का भी रेफरेंस फोटो में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, चेक कर लेना। तो जैसे मैंने पिच सेलेक्ट कर ली, तो अब हम इस ऐप में ग्रिड इसके नीचे देख सकते हैं कुछ लिखना होगा। तो सबसे पहले डब्बे में आपको लिखना है 210 और दूसरे में लिखना है 297 और क्रॉप पे हम क्लिक करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं क्रॉप का ऑप्शन आ गया है, तो हम फोटो को क्रॉप कर लेंगे और इस तरह से हम ग्रिड बना सकते हैं। जैसे हमने ग्रिड मैटर के ऐप की मदद से ग्रिड बना है, वैसे ही हमें इस A4 साइज के पेपर में भी ग्रिड बनाना होगा। उसके लिए हमें चाहिए मेजरिंग स्केल और पेंसिल। मैं लीड पेंसिल का यूज कर रहा हूँ, आपके पास जो भी हो उसका यूज कर सकते हैं। तो हमें सबसे पहले स्केल के मदद से 3 सेंटीमीटर की डॉट इंक्रीज करने होंगे, डॉट बनाने होंगे। तो हम चलिए 3 सेंटीमीटर की डॉट बना देते हैं। तो मैं डॉट बना रहा हूँ, आप देख सकते हैं, ऐसे आपको 3 सेंटीमीटर की डॉट बनाना होगा। और डॉट बनाने के बाद हम इसको ज्वाइन कर लेंगे बीच में से, स्ट्रेट लाइन खींच देंगे बीच में से और आड़े से स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे। ऐसे ही हम सब लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। सब लाइन ड्रॉ करने के बाद आप देख सकते हैं स्क्वायर स्क्वायर हो चुके हैं, ये 3 सेंटीमीटर के स्क्वायर है सभी। और अब सब स्क्वायर को 1, 2, 3, 4 ऐसे लिख देंगे। आप देख सकते हैं कि मैंने ये ड्राइंग ग्रिड मैटर की ऐप की मदद से बना दी है, कितनी अच्छी और सुंदर दिख रही है ना। ऐसे ही आप ये जो मैं ड्रॉ बना रहा हूँ, नेक्स्ट लिटिल बाल कृष्णा का ड्रॉइंग बना रहा हूँ, वो हमने आड़े से और चौड़ाई से 1, 2, 3, 4 लिख दिए है। आप देख सकते हैं अब ऐसे दिखते हैं। अब इसके बाद सिंपली प्रोसेस से बस आप रिफ्रेश इमेज की तरह जिस स्क्वायर में जैसा दिख रहा है आउटलाइन वैसे पेपर पर ड्रॉ करना। आप सभी को सब दिख ही रहा होगा कि मैं कैसे कर रहा हूँ, आप सबको बस फॉलो करना है। बस रिफ्रेश बीच में जैसा दिख रहा है वैसे ही स्क्वायर में आप बना सकते हो। आप सब देख रहे हो कि मेरा ड्राइंग ट्यूटोरियल
प्रोजेक्ट ट्यूटोरियल कंप्लीट हो रहा है। बस बहुत सिंपल प्रोसेस है, बस मैं जैसा करूँ वैसे ही आपको करना होगा। बस जो रेफरेंस बीच में दिख रहा है वैसे हमें शीट पर, A4 साइज की शीट पर, इस ड्राइंग बुक पर, हम जो भी आपके पास बुक होगा उस पर जैसे आपने ग्रिड बनाया है वैसे उस स्क्वायर में जो ग्रिड बीच है ना उसके मुताबिक आप इसमें हम ट्रांसलेशन कर सकते हैं। तो मेरा वीडियो यानी कंप्लीट हो चुका है और आप देख सकते हैं रिफ्रेश इमेज यानी मेरी ड्राइंग भी कंप्लीट हो चुकी है। तो ऐसे ही हम ग्रीन मैटअप मेरे मेथड ऐप की मदद से ड्राइंग अच्छे तरीके से निकाल सकते हैं। मैं अभी बिगनर हूँ तो मुझे थोड़ा टाइम लग रहा है थोड़ा सीखने के लिए, इसलिए आपकी डिमांड पर मैंने ये वीडियो लेकर आया हूँ। तो आप आई होप कि आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा वीडियो में। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके बाय। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय।